नमस्कार, बीएनएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। आदिम जाति कार्य विभाग के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिले के आदिम जाति कार्य विभाग के अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार आदिम जाति कार्य विभाग के विद्यालयों में कोरोना काल के दौरान कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा माह मई जून का मानदेय देने के आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत शिक्षा विभाग में मानदेय प्रदान किया जा चुका है, किंतु आज दिनांक आदिम जाति कार्य विभाग के विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को मानदेय जारी नहीं किया गया है। इस कारण आदिम जाति विभाग के अतिथि शिक्षकों द्वारा शासन के दोहरे भेदभावपूर्ण व्यवहार से मानसिक दुर्बलता का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते उनका मानदेय दिलाने कलेक्टर दीपक आर्य से गुहार लगाई गई है। शिक्षक संघ परसवाड़ा का अध्यक्ष बताइए, ये क्या समस्या को लेकर आज यहाँ ज्ञापन सौंपे कलेक्टर? कोरोना काल में मई और जून माह का वेतन जिस तरह से ट्रैवल क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है, इसी की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे कि एजुकेशन क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों को जब ये मानदेय दे दिया गया है तो फिर हम लोगों के साथ में शौचालय व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या लगता है अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया प्रशासन द्वारा तो अगला कदम क्या होगा? सर, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ उग्र कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से हाथ में हाथ रख करके बैठे और शासन की तरफ आस की नज़र से बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिणाम सार्थक हम लोगों को मिल नहीं रहा है, तब कुछ ना कुछ हम लोगों को बड़ा उग्र तरीके से कुछ करना पड़ेगा। कितने बार आपने गुहार लगा चुके हैं प्रशासन? सर, कम से कम अभी इस मामले के लिए तो 10 बार लगा दी है, नहीं तो 12 से 14 साल हो चुके हैं हमको तो नियमितीकरण की मांग करते हुए, लेकिन मई जून की मांग वेतन की मांग को लेकर के तो अभी कम से कम 10-15 बार हम लोग का हो गया है यहाँ आते। थैंक यू।